चैनल सिंपल ब्यूटी विद निलांजना एंड आई एम निलांजना. प्लीज इग्नोर माय ब्रोकन वॉइस. पास्ट 5-6 डेज से मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक फीवर हुआ था, उसके साथ कोल्ड कफ, उसके बाद मेरा वॉइस टोटली वॉज गॉन. सो स्टिल नाउ अभी तक सेम प्रॉब्लम से ही सफ़र कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कफिंग का ये सब. सो जस्ट इग्नोर माय वॉइस. सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नायका की एक ह्यूज सेल हॉल जहाँ पे मैंने खरीदा है मेकअप प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ मैंने खरीदे है बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड आई हैव स्पेंट मोस्टली 10,000 रुपीज बिहाइंड दिस ऑल मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स. सो आई होप कि आज की ये हॉल वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं जो कि मैंने पहले यूज़ नहीं किया था एंड बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है मार्केट में. सो वैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हुए हैं, उनको ट्राई करना है, नए नए मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करना है. तो फॉर दैट आई हैव सो गाइज, इन सारे प्रोडक्ट्स में से अगर आप भी सोच रहे थे कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने की, तो आज की इस वीडियो में आपको छोटा मोटा एक रिव्यू भी मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में. सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो अगर अच्छा लगे मेक श्योर जाने से पहले एक बड़ा सा लाइक एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना. एंड साथ ही साथ कैसा लगा आज का ये हॉल वीडियो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना. ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे सारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल विच इज टोटली फ्री. सो उसके लिए आपको क्लिक करनी पड़ेगी नीचे की रेड सब्सक्रिप्शन बटन में, उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगी उसको भी क्लिक कर लीजिएगा. सो दैट मैं जब भी नया वीडियोस अपलोड करूंगी उन सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी. तो फ्रेंड्स विदाउट फर्दर डू चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो मेकअप प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स दोनों ही मैंने परचेस. सो स्टार्ट करते हैं मेकअप प्रोडक्ट से. तो मेकअप का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज टू प्राइम अवर स्किन. सो मैंने तीन प्राइमर खरीदे हैं. सो फर्स्ट वन मैंने जो खरीदा है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है. सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नायका. नायका की मिनी प्रेप मी अप दिस प्राइमर. सो ये टोटली एक लाइक सिलिकॉन बेसिस में आती है. इसका जो बड़ा वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली था, तो मैंने सोचा कि वो नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं एक मिनी वर्जन से. तो ये मैंने खरीदा है. एंड सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सारे प्रोडक्ट्स की जो भी प्राइस होगी मैं अपने स्क्रीन में डाल दूंगी, क्योंकि अभी सब याद कर कर के आपको बताना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी एंड आप लोग बोर हो जाओ. सो वो मुझे नहीं चाहिए. सो ये मैंने खरीदा है एंड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है. एंड नेक्स्ट मैंने जो खरीदे है दैट इज फ्रॉम द ब्रांड प्ल्यूम. सो दिस इज द प्रोडक्ट, लुक्स लाइक पिंक कलर का ऐसा एक बॉक्स आती है. एंड इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं इसके अंदर आपको जो इनर पैकेजिंग है कुछ इस तरीके की मिलेगी. फुल ब्लर काइंड ऑफ इसका पैकेजिंग है एंड इसके अंदर आपको ऐसे एक शील्ड मिलेगी. शील्ड अगर आप ओपन करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी. फुल मॉइस्चराइज बेस में है एंड ये ब्लरी मतलब आपके स्किन के टेक्सचर जो है उसको तो ब्लर करती ही है एंड साथ ही साथ आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करती है. सो अगर आपका स्किन काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन या फिर ड्राई स्किन है, अगर आप ऑयली स्किन के भी हो एंड विंटर सीजन में या फिर थोड़ा सा ड्राइनेस के टाइम पे आप एक ड्यूई लुक चाहते हो, देन ये जो लाइक मॉइस्चराइजर कम प्राइमर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा. एंड मैंने जो थर्ड प्राइमर खरीदे है ये बहुत दिनों से मुझे मन था खरीदने का, बट बिकॉज ऑफ द रेंज मुझे उतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा था खरीदने का, बट दिस टाइम आई हैव परचेस. दैट इज फ्रॉम द ब्रांड शुगर. शुगर की ये वाली प्राइमर बहुत दिनों से मेरा मन था इसको खरीदने की. सो इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके की दिखती है, ब्लैक कलर की ऐसे बॉटल में आती है एंड इसका भी टेक्सचर जो है सिलिकॉन बेस में ही है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, ऑब्वियसली यूज़ करूँगी एंड उसके बाद आप लोगों के साथ छोटे मोटे जो अपडेट्स है वो आप लोगों के साथ
सब मैं शेयर करूंगी। सो खासकर अगर आप लोग मुझे YouTube में जैसे फॉलो करते ही हो, इसके साथ ही साथ मैं जितने भी सारे अपडेट्स देती हूँ अपने Instagram ID में भी शेयर करती हूँ। सो अगर आपको फॉलो करना है मुझे Instagram में, देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप जरूर क्लिक करें एंड मुझे एज वेल YouTube में जैसे फॉलो करते हैं Instagram में भी फॉलो कीजिए। सो नेक्स्ट मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो है एक फाउंडेशन। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड Mamaearth। Mamaearth की वाली ग्लो सेरम फाउंडेशन। बहुत दिनों से मुझे मन था इसको खरीदने की एंड आई एम इन दी शेड 06 आलमंड ग्लो एंड आज मैंने इसको ही अप्लाई किया हुआ है। बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखती है गाइज एंड ग्लोइंग काइंड ऑफ आपका फिनिश आएगा, एकदम भी नहीं लगता है कि आपने कुछ अप्लाई किया है एंड साथ साथ बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक भी देती है एंड साथ ही साथ आपको इसमें मिल रही है विटामिन सी एंड टर्मरिक। सो इसके ऊपर एक अलग से रिव्यू आने वाली है बहुत ही जल्द। सो नेक्स्ट मैंने जो खरीदा है वो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो लाइक ऑयली स्किन वाले होते हैं या फिर कॉम्बिनेशन स्किन वाले, बिकॉज एक ट्रांसल्यूशन पाउडर मेकअप करने के बाद उसको सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये ट्रांसल्यूशन पाउडर मुझे बहुत दिनों से मतलब खरीदने का मन था, दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड शुगर। शुगर की ये वाली ट्रांसल्यूशन पाउडर एंड इसको अगर आप देख सकते हो इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है एंड इसका जो इनर पैकेजिंग है, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा क्लासी है गाइस। सो ये है इसका इनर पैकेजिंग। अगर इसको हम लोग ओपन करते हैं आपको इसके अंदर मिलेगी एक अलग से मिरर, जो कि मैंने अभी तक इसका स्टिकर नहीं रिमूव किया है, ऐसा एक छोटा सा पफ मिलेगी एंड इसके साथ आपको इधर ट्रांसल्यूशन जो पाउडर है ये भी मिलती है। तो मेरे पास कॉम्पैक्ट थे, इसके साथ बनाना शेड का पाउडर था, मेरे पास कोई भी ट्रांसल्यूशन पाउडर नहीं था, तो बहुत दिनों से मुझे मन था कि एक ट्रांसल्यूशन पाउडर खरीदूँ एंड साथ ही साथ मुझे शुगर ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई ऑन करने थे, तो फॉर दैट आई परचेज दिस वन एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड रिसेंटली मैं बहुत सारे मेकअप लुक्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, दुर्गा पूजा आ रही है, बहुत सारे मतलब गॉर्जियस लुक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे मैं यूज़ करूंगी। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जो कि लाइक मुझे बहुत ज़्यादा खरीदने का मन था, दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड के ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, कंटूर, देन ब्लश, बहुत सारे। तो मैंने फाउंडेशन जो है वो नहीं खरीदे, एज आई परचेज Mamaearth का ग्लो सेरम फाउंडेशन। सो इसके लिए मैंने खरीदे हैं देयर कंसीलर एंड के ब्यूटी की कंसीलर जो है, इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की दिखती है, बहुत ही ज़्यादा डैम इसका पैकेजिंग किया गया है, बहुत अच्छा है एंड आई एम इन द शेड 150 न्यूट्रल मीडियम एंड इसका जो इनर पैकेजिंग है मुझे वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा है एंड दिस लुक्स लाइक दिस। सो मैंने मीडियम शेड जो है न्यूट्रल वाला, दैट आई हैव परचेज। इसके बहुत सारे आपको टोन मतलब मिल जाएगा वहाँ पे, है येलो टोन, न्यूट्रल है, उसके साथ एक पेल टोन के भी है, तो मेरा ये न्यूट्रल टोन ही जाता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड दिस आई हैव परचेज। नेक्स्ट मैंने इनके ही सेम रेंज से खरीदे हैं कंटूर स्टिक एंड दिस इज देयर के ब्यूटी एनरिच्ड विथ मोरेला ऑयल एंड विटामिन सी कंटूर स्टिक। इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की दिखती है एंड इसका अगर इनर पैकेजिंग हम लोग देखें, एकदम एक ऐसे पेन काइंड ऑफ इसका पैकेजिंग किया गया है एंड इसको ओपन करते ही आपको ऐसे जो प्रोडक्ट है ये मिलेगी एंड मुझे इसका एक ही चीज़ कॉन लगा है, दैट इज़ इसको शार्पन अप आपको करना पड़ेगा एंड उसके बाद इसको यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड हो जाती है। अगर आप ब्रश यूज़ करें या फिर ब्यूटी ब्लेंडर या फिर फिंगर टिप्स, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाती है एंड आई एम इन दी शेड बेज फोकस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड मेरे स्किन टोन में भी बहुत ही अच्छे से ये इसने कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कंट्रोल अच्छा नहीं लगता है, खासकर अगर आप कहीं पे आउटसाइड निकल रहे हो, अगर आप कंट्रोल करते हो बहुत ज़्यादा डार्क, वो नेचुरल एकदम भी नहीं दिखती है एंड एकदम भी अच्छा नहीं दिखता है। सो ये जो कंट्रोल स्टिक है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है एंड नेक्स्ट मैंने खरीदे है के ब्यूटी की ही ये वाली ब्लश,
ये क्रीम ब्लश में है। सो इसके पहले मेरे पास जितने भी ब्लश थे वो सारे लाइक पाउडर टेक्सचर में आते थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने कोई क्रीम ब्लश यूज किया है एंड आज मैंने यूज भी किया है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड एक नेचुरल वाइब्स आती है कि आपके स्किन से एक इनर लाइक ब्लशी ब्लशी फील्स आती है, एकदम भी अननेचुरल नहीं दिखता है। सो इसका जो इनर पैकेजिंग है कुछ इस तरीके की दिखती है एंड इसका टेक्सचर ओ माय गॉड बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है, आप ब्रश यूज कर सकते हैं या फिर फिंगर टिप्स या फिर ब्यूटी ब्लेंडर कुछ भी से ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। सो ये तो सारे थे के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, के ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो नेक्स्ट मैंने खरीदे है एक लिप एंड चिक टिंट जो कि अभी बहुत ज़्यादा इन है फैशन में, जो कि आप एज आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, एज अ लिपस्टिक भी एंड एज अ ब्लश भी। सो मैंने खरीदे थे जस्ट हब्स की ये वाली लिप एंड चिक टिंट, इसका जो आउटर पैकेजिंग है ऐसे दिखती है, एज यू कैन सी बहुत ही क्यूट एक पैकेजिंग किया गया है एंड इसको अगर आप ओपन करोगे इसका जो इनर पैकेजिंग है कुछ इस तरीके की दिखती है एज यू कैन सी गाइस। सो आई एम इन दी शेड ब्रिक रेड, इसको ओपन करते आपको नीचे एक लिड मिलेगी, इसको ओपन करने के बाद आपको प्रोडक्ट जो है ये दिखेगा। सो दिस इज अ ब्रिक रेड शेड एंड इसको मैंने यूज भी किया है बट एज अ लिपस्टिक मुझे उतना ज्यादा लाइक एज अ लिप टिंट मुझे उतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं लगा है, बहुत ही ज़्यादा अगर आपका लिप्स खासकर पिगमेंटेड है उतना अच्छा कवरेज ये नहीं देती है, बट हाँ एज अ क्रीम ब्लश आप इसे यूज़ कर सकते हो या फिर एज अ लाइक आई शेडो आप इसे यूज़ कर सकते हो, इससे आप बहुत ही अच्छे से लाइक एक नेचुरल लुक क्रिएट कर पाओगे। सो ये मुझे उस तरीके से अच्छा लगा बट एज अ लिप टिंट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। सो नेक्स्ट मैंने कुछ बहुत लिप्स शेड्स खरीदे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला एक मैंने सोचा था लिप शेड खरीदने का, सो फॉर दैट आई हैव परचेस लॉरियल की दिस रोग सिग्नेचर दिस लिप शेड एंड बहुत दिनों से मुझे ये जो रेंज है खरीदने का मन था एंड आई एम इन दी शेड 150 आई डोमिनेट। सो अभी आप मेरे लिप्स में जो शेड देख रहे हो दिस इज दिस शेड ओनली एंड इसका अगर आप इनर पैकेजिंग देखना चाहते हो सो ये कुछ इस तरीके की दिखती है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है गाइस, बहुत अच्छा लगता है ये और इसका वांड का जो खासियत है बहुत ही अच्छा है, इसका वांड कुछ इस तरीके की बेंड है एज यू कैन सी गाइस। सो इससे क्या होता है लिपस्टिक अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इजी हो, तो दिस वन इज माय फर्स्ट लिप शेड आप बोल सकते हो जो कि मैंने खरीदे हैं। नेक्स्ट मैंने जो खरीदा है ये भी मुझे बहुत मन था खरीदने का बिकॉज सारे यूट्यूबर्स खासकर मेरे फ्रेंड्स जो है बहुत सारे ऐसे ही लिप शेड्स वो लोग यूज़ करते थे, तो मुझे भी बहुत सारे मेकअप लुक्स आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो इसके लिए सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मतलब था। तो फॉर दैट द नेक्स्ट शेड विच वन आई हैव परचेज दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड ममाअर्थ, ममाअर्थ की दिस नेचुरली मैट लिप सिरम, इसका आउटर पैकेजिंग बहुत क्यूट किया गया है एज यू कैन सी एंड इसमें विटामिन सी विटामिन ई एनरिच्ड है, इसको अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको लिप शेड मिलेगी। सो अगर आप इसको ऐसे ओपन करोगे ये मैग्नेट काइंड ऑफ क्लोजर के साथ दिया गया है, इसके अंदर आपको एक बहुत ही प्रिटी सा ऐसा लाइक नोट मिलेगी जहाँ पे लिखा गया है वी प्लांट गुडनेस एंड वी आर प्लेज टू मेक द अर्थ अ ग्रीनर प्लेस विथ योर लव, वी आर प्लांटेड 150,000 प्लस ट्रीज एंड एडिंग मोर ईच डे, सो दिस इज Why I love Mamaearth। आप सिंगल परचेस करोगे इसके साथ एक प्लांट जो है उसको लाइक प्लांटेड किया जाता है एंड इसके साथ जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो दिस इज देयर सीरम बूस्टेड लिप कलर जो कि मैंने यूज़ किया था एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट जब इसे अप्लाई करोगे बहुत ही लिक्विडी एंड सीरम काइंड ऑफ फॉर्मेशन में ये रहता है, आफ्टर दैट ये फुल मैट हो जाती है एंड आई एम इन दी शेड रोजी न्यूड, दिस इज 02 रोजी न्यूड, बहुत ही अच्छा एक न्यूड पिंक शेड है, बहुत ही प्रिटी दिखेगी अगर आप कोई भी डे काइंड ऑफ मेकअप करोगे उसके साथ या फिर डेली पर्पस में भी आप इसे अप्लाई
कर सकते हो. सो लास्ट मैंने जो लिप शेड खरीदे है दैट इज फ्रॉम दी ब्रांड मेबलिन. मेबलिन की ये सेंसेशनल लिक्विड मैट लिप शेड. इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है एंड इसका अगर आप वांड देखोगे बहुत ही स्मूथ अप्लीकेशन होती है इसके साथ एंड बहुत ही अच्छा जो इसका टेक्सचर है मुझे लगा है क्रीमी टेक्सचर में है एंड बाद में मैट हो जाती है एंड लॉन्ग लास्टिंग है एंड आई एम इन दी शेड 21 न्यूड नॉन्स. सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर मेबलिन के ये सारे जो लिप शेड की रेंज है लाया गया है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू परचेज दिस देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. सो नेक्स्ट मैंने खरीदे है एक लिप लाइनर जो कि मेरे पास बहुत दिनों से नहीं था. नायका की दिस लिप्स डोंट लाई दिस लिप लाइनर एंड इट इज़ इन द शेड डेट नाइट. एक रेडिश मेरूनिश शेड है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड मैंने इसको यूज़ भी किया है. बहुत अच्छा है क्रीमी टेक्सचर में है बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाती है एंड एकदम भी ब्लीड नहीं करती है. सो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा एक प्रोडक्ट जो कि मैंने इसके पहले यूज़ नहीं किया था एंड मुझे ट्राई आउट करने का बहुत ज़्यादा मन था एंड दैट इज़ रिलेटेड टू आईब्रोज. ऑब्वियसली आईब्रो अगर आप ड्रॉ नहीं करते हो उतना ज़्यादा आपका मेकअप निखरेगी नहीं. So, इसके लिए आई हैव परचेस दिस ब्राउ पाउडर इन द शेड 04 फेलिक्स ऑनिक्स एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड शुगर. शुगर का ये ब्राउ पाउडर मैंने खरीदा हुआ है. दिस इज द आउटर पैकेजिंग. तो अगर आप ऐसे ओपन करोगे एक लाइनर काइंड ऑफ शेड में ऐसा शेप में आती है. इसको अगर आप ऐसे ओपन करोगे आपको इसका जो वांड है ऐसे दिखेगी. दिस इज काइंड ऑफ बहुत ही स्लीक है वांड. जस्ट आपको अच्छे से ऐसे ऐसे करके अप्लाई करना है एंड आपका जितने भी लाइक आईब्रो गैप्स होंगे वो बहुत ही इजीली फिल्ड अप हो जाएगी एंड बहुत ही आपका आईब्रो शेप में भी रहेगा साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा नेचुरल भी दिखेगी. तो नेक्स्ट मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया है ये जब से लॉन्च हुआ था मुझे बहुत ही मन था इसको परचेस करना एंड फाइनली आई परचेस. दिस इज द आई शेडो फ्रॉम द ब्रांड नायका एंड दिस इज इन द शेड 05 वाइन एंड डाइन. बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. पिंक है इसमें आपको एक ब्राउनिश शेड मिलेगी इधर एक ब्राउनिश शेड है एंड शिमर एक पिंक शेड भी है. एंड आज मैंने जो आई लुक क्रिएट किया हुआ है अगर आप देखोगे मैंने यूज़ किया है 3 शेड. इसमें से ये वाली ब्राउन शेड है ये पिंक शेड है ये शिमर शेड है. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में भी. सो नेक्स्ट मैंने एक काजल खरीदा है बट दिस इज नॉट लाइक ब्लैक काजल. मेरे पास कोई भी पिगमेंटेड वाइट कलर का लाइक काजल नहीं था बट मैंने बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स देखे हैं एंड एक मैंने खरीदा भी उसको उतना मतलब पिगमेंटेशन मुझे उससे नहीं मिला था. तो उसके बाद फाइनली आई हैव परचेस्ड आवर इंडियन ब्रांड ऑब्वियसली स्विस ब्यूटी. स्विस ब्यूटी की ये वाली वाइट काजल एंड इसका जो प्राइस है ओनली 50 रुपीज़ है एंड खासकर इसका जो पिगमेंटेशन है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड नेक्स्ट मैंने एक मास्कारा खरीदा है दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल. लॉरियल की दिस लास्ट पैराडाइज दिस मास्कारा जो कि मुझे बहुत दिनों से मन था. ये बहुत पहले लॉन्च हुआ है. फाइनली मैंने बहुत ही अच्छे खासे एक ऑफर में इसको खरीद लिया एंड डैम गुड है गाइज. ये बहुत अच्छे से आपके आई लैशेस को लाइक वॉल्यूम क्रिएट करने में हेल्प करती है एंड बहुत ही अच्छा दिखता है. आपके आई लैशेस बड़े बड़े दिखते हैं खासकर मेरे आई लैशेस बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो इसको अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रिटी एक लुक आती है. सो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी. बहुत ज़्यादा प्रिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा. सो नेक्स्ट मैंने खरीदे हैं कुछ बहुत नेल पेंट्स जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. मेरे पास अगर 100 नेल पेंट्स भी रहते हैं उसके बाद भी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है. सो इसलिए मैंने टोटली 5 नेल पेंट्स खरीदे हैं जो कि सारे के सारे हैं फ्रॉम द ब्रांड नायका. एंड नायका के जो नेल पेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होते हैं एंड बहुत ही पिगमेंटेड होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो खरीदा है दिस इज देयर नायका यूनिकॉर्न पोशन नेल एनामल. सो देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसे है. बहुत ही लग्जरियस है. गोल्डन लाइक रोज गोल्ड कलर का इसका वांड आती है एंड इसका कलर है यूनिकॉर्न कलर का. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था. इसके वांड को अपने दांत से खोलने का कोशिश किया था तो इसलिए मेरे दांत का मार्क्स हो गया है इसके ऊपर. बट जोक्स अपार्ट गाइस बहुत अच्छा नेल एनामल है
एंड इसका शेड भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. नेक्स्ट मैंने खरीदा है नाइका दिस कलर एंड केयर नेल एनामल. सो इट इज इन द शेड एंड इट इज इन द शेड वाइन अनवींड 326 इन द नंबर. सो ये कुछ ऐसे मरून काइंड ऑफ वाइनी शेड आती है इसका एंड बहुत ही ज्यादा पिगमेंट है. इसका कलर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. ये आपके जो स्किन का लाइक कॉम्प्लेक्शन है उसको बहुत ही ज्यादा ब्राइटन अप करती है एंड बहुत ही ज्यादा प्रिटी भी है. सो दिस इज माय सेकंड परचेज. थर्ड मैंने जो खरीदा है दिस इज अगेन नाइकर्स नेल एनामल एंड दिस इज इन द शेड मार्सला चाय एंड इन द नंबर 01 एंड दिस इज काइंड ऑफ चाय कलर जो होता है. मेरे कैमरे में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ये पिंकिश काइंड ऑफ कलर आ रही है मेरे लाइक कैमरा में, बट दिस इज काइंड ऑफ चाय का कलर जो कि होता है सेम वैसा ही कलर है, ब्राउनिश ब्राउनिश शेड आती है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है गाइस. सो दिस इज द थर्ड वन. फोर्थ वन मैंने थोड़ा सा एक पॉपअप कलर खरीदा है. कभी कभार ऐसा होता है कि नेल पेंट्स के ऊपर कुछ डिजाइंस करने का, नेल आर्ट करने का मन करता है, दैट टाइम दिस शेड विल बी अ गुड ऑप्शन. सो इसलिए मैंने ये शेड खरीदा है. काइंड ऑफ मिंट शेड है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. इसका शेड नेम जो है ये नहीं दिया गया है, इसका नंबर बता देती हूँ, 187 है इसका नंबर, बट मिंट काइंड ऑफ शेड है इसका, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. एंड लास्ट मैंने जो खरीदे हैं दैट इज अ रेड कलर, हॉट रेड जो है वही कलर है एंड इसका नाम है रेड वेलवेट 03. सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नेल एनामल रेंज, बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ही ज्यादा प्रिटी भी. सो ये सारे थे मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर किया एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है वीडियो आई नो, बट 10,000 रुपीज में ऑब्वियसली ढेर सारा प्रोडक्ट्स आने वाली है. सो हम लोग आ गए हैं एकदम एंड तक. अभी मैं शेयर करूंगी कुछ बहुत स्किन केयर प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो सिटीएम रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ हमेशा मेरे मेकअप लुक्स में, उसके लिए मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो मैं फर्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो मैं जो अपने सिटीएम प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप करती हूँ क्लींजिंग, दैट इज फॉर दैट आई एम यूजिंग द ब्रांड काया. काया की दिस एक्ने प्री प्यूरिफाइंग दिस क्लींजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसमें आपको मिलेगी सैलिसिलिक एसिड एंड दिस इज बेस्ट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन आपका स्किन है आपको भी बहुत ही अच्छे से ये हेल्प करेगी. खासकर मेरा स्किन जो था बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया था, तो इस रेंज ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है. सो दिस इज देयर क्लींजर. इसके बाद मैंने खरीदा है इनके टोनर को जो कि है दिस वन एक्ने फ्री प्यूरिफाइंग टोनर. ये हमेशा मैं यूज करती हूँ मेरे मेकअप करने के पहले या फिर बाद, बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड इसमें आपको मैंडेलिक एसिड मिलेगी एंड दिस इज ऑल्सो फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, बहुत ही ज्यादा अच्छा. सो क्लींजर एंड टोनर के बाद नेक्स्ट जो आती है दैट इज द मॉइस्चराइजर. सो दिस इज देयर काया एक्ने फ्री प्यूरिफाइंग दिस वन मॉइस्चराइजर एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है. 1 or 2 पंप इज एनफ फॉर योर फुल फेस एंड नेक एरिया, बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड आपके स्किन को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बनाने में, आपके फेस में अगर कोई भी लाइक पिंपल मार्क्स है या फिर कुछ है उसको रिमूव करने में भी ये हेल्प करती है. इसमें आपको मिलेगी लाइक आलमंड ऑयल, रोज एक्सट्रैक्ट्स एंड ये हाइपो एलर्जिक स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है एंड साथ ही साथ दिस इज ऑल्सो फॉर द ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. सो स्किन केयर के लिए खासकर मैं अपना सीटीएम जो रूटीन है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर मेरा इन्वेस्टमेंट इसके पीछे ही होता है. तो ये 3 प्रोडक्ट खरीदा है मैंने. इसके साथ मैंने खरीदा है, बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड साथ ही साथ मार्क्स हो जाते हैं मेरे फेस में खासकर. सो फॉर दैट आई हैव परचेज नाइका स्किन सीक्रेट्स की ये स्पॉट पैचेस जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है एंड ऑलरेडी ये ओपन है क्योंकि मैंने इसे कल यूज़ किया था. तो इसके अंदर जो शीट आती है ऐसा कुछ दिखती है. इसमें आपको ऐसे लाइक ट्रांसपेरेंट ऐसे कुछ स्टिकर्स मिलेगी, आप देख सकते हो गोल गोल होते हैं. इसमें आपको मिलेगी टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड जो कि ओवरनाइट आपकी अगर आपके पिंपल्स के ऊपर अच्छे से लगा के सो जाती हो उसको क्योर करने में, अगर पस रहता है उसको निकाल आने में एंड साथ ही साथ आपके जो
पिंपल्स के मार्क्स होते हैं उसको हटाने में भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है। सो कॉम्बो ऑफर था दोनों में, तो दोनों मैंने खरीदा है, इसलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप लोगों को। सो इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकहेड्स के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, सो फॉर दैट मैंने खरीदे है टोनी मोलिका ये वाली एक पोर का दिस नोज स्टिकर बोल सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप अपने नोज एरिया को वेट करने के बाद अप्लाई करना है एंड ड्राई हो जाने के बाद इसे पील ऑफ करना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बट बहुत ज़्यादा अगर आपका ब्लैक हेड्स हार्ड रहेगा देन ये कुछ काम उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगी, बट अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब ब्लैक हेड्स का इशू है देन ये आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी। तो इसके ऊपर भी कॉम्बो ऑफर था तीनों के साथ, मैंने तीनों में से एक यूज कर लिया है इसलिए दो मेरे पास अभी है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो लास्ट मैंने जो खरीदे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड टोनी मोली। टोनी मोली के ये जो तीन शीट मास्क है आप देख सकते हो, इसमें से दो मैंने यूज कर लिया है, एक टी ट्री का था उसके साथ और एक था आई थिंक सी वीट का था, तो वो मैंने दोनों ही यूज कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब 3-4 दिन पहले ये प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हो गए थे बट वीडियो करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए वो दो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट ये तीनों में से मेरे पास है ये वाली वाइन का दिस शीट मास्क, इसके साथ है पर्ल के ऊपर दिस शीट मास्क एंड इसके साथ है कोलाजिन का ये वाली शीट मास्क। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडेज हॉल वीडियो, फाइनली ये खत्म हुआ है। मुझे बात करते करते मेरा और भी ज़्यादा कफिंग ये तो हो ही रहा था एंड मेरा गला भी सूख रहा था। सो आई होप कि आज का ये हॉल वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, आप लोगों को अच्छा लगा है। सो मेक श्योर अगर अच्छा लगा है जाने से पहले प्लीज़ 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 एक बड़ा सा लाइक एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना कैसा लगा ये हॉल वीडियो। और भी कुछ अगर सजेशंस है आप लोगों के दिमाग में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके वो भी बताना। एंड गाइज अगर मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ, मेरे सारे कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो अप करने में। सो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द और भी नए धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।